दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनती है ना, सभी किसी ना किसी पर्पस से ही बनती है। पर आज भी हम में से बहुत से लोग कई ऐसी चीज़ों के रियल पर्पस के बारे में नहीं जानते जो हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। बट हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी भी पॉपुलर चीज़ें हैं जिनको बनाया तो किसी और चीज़ के लिए था, बट बन कुछ और ही गई। तो चलो, आज के इस फंटरेस्टिंग वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ों के रियल पर्पस के बारे में जानते हैं, जिनके पर्पस को आज तक हम इग्नोर ही करते आए। लाइक ट्रेन के ऊपर ये उभरी हुई चीज क्या होती है, बाइक्स में सिलेंड्रिकल बॉक्स क्यों लगा होता है, और हमारे रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है, और बहुत कुछ। नंबर वन, बाइक का सस्पेंसर क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। पर क्या आपको ये पता है कि ये नए सस्पेंसर के साथ आने वाले इस बॉक्स का क्या नाम है? कोई ना। दरअसल बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस होती है, और इस तरीके के सस्पेंसर को नाइट्रॉक्स सस्पेंसर कहा जाता है। अच्छा, आपने अगर बाइक चलाई होगी तो ये जरूर पता होगा कि नॉर्मल सस्पेंसर होता है ना, वो फर्स्ट 50 से 60 किलोमीटर चलने के बाद झटके देने लगता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड में कुछ इस तरह के बबल्स यानी झाग बन जाता है, जो ऑयल को और भी हार्डर बना देता। अब इस बॉक्स में प्रेजेंट प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस इसी झाग को नहीं बनने देता, जिससे आपकी बाइक लॉन्ग डिस्टेंस चलने के बाद भी आपको झटके नहीं देती। नंबर टू, अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि ब्लड टेस्ट करवाने वाले अक्सर अपने रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट कराते हैं। पर गाइस, ऐसा क्यों, दूसरे उंगलियों में खून नहीं होता? होता है ना, फिर ऐसा उंगलियों के साथ भेदभाव क्यों? दरअसल ये आपके बेनिफिट के लिए ही किया जाता है। दरअसल आपके मिडल फिंगर में नर्व नीचे होती है, इसलिए ब्लड निकालने के लिए सुई को अंदर तक डालना पड़ेगा, और आपके थंब और स्मॉल फिंगर बहुत छोटी होती है, इसलिए उसमें भी आपको काफी दर्द होगा। और गाइस, पहले ये माना जाता था लेफ्ट हैंड के फोर्थ फिंगर से नस डायरेक्ट हमारे हार्ट से जुड़ी होती है, और गाइस इसी रीजन के वजह से उन्होंने इस रिंग फिंगर को ब्लड सैंपल लेने के लिए चुना। नंबर थ्री, आजकल अगर पार्टी में कोको कोला ना हो तो पार्टी पार्टी नहीं लग। क्या आपको पता है कोको कोला किसी पर्पस से बनाया गया था? अगर नहीं तो आपको ये जान लेना चाहिए, पहले किसी समय में ये बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ करता। कोको कोला का यूज ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और ऐसे ही सभी चीजों की लत को छुड़ाने के लिए किया जाता था, और कोको कोला पहले हेडेक्स और स्टमक पेन को भी कंट्रोल करता था। ये एक टाइप से दवा थी, और आज देखो, ये आज सर दर्द हटाने के वजह ये सर दर्द और मोटापा दे रही। सोचो, आज हम पार्टी में शौक से दवा पीते। नंबर फोर, अक्सर आपने ट्रेन के ऊपर प्रेजेंट इन उभरे हुए चीजों को देखा ही होगा, बट आखिर ये चीज होती क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है? तो गाइज, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ट्रेन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये ना हो तो ट्रेन डिसबैलेंस भी हो सकता है। एक्चुअली ये अपने घर के वेंटिलेटर्स की तरह होता है, जिन्हें रूफ वेंटिलेटर्स कहा जाता है, जिनका काम होता है गर्म हवा को बाहर निकालना। ये ट्रेन के अंदर से ऐसी जालीदार और बाहर से ऐसी उभरी हुई दिखती है। नंबर फाइव, अगर आप एक प्रोफेशनल चोर होगे तो आपको ये फैक्ट पहले से ही पता होगा, बट एज आई नो आप चोर नहीं हो और बनोगे भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेन के लाइट्स और फैंस को घर में जलाने की कोशिश करोगे तो भाई भूल जाओ, ना ही आपके घर में वो फैंस कभी चलेंगे और ना ही वो लाइट्स कभी जलेगी। और उसकी वजह ये है कि रेलवे ने काफी ज्यादा जबरदस्त दिमाग लगाया, उन्होंने सारे फैंस और लाइट्स को 110 वोल्ट पे जलने को सेट कर रखा है। और ये भी बता दूं, ये 110 वोल्ट का करंट सिर्फ रेलवेज में ही आता है, और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो 220 वोल्ट का होता है। अगर आप पिट पिटा कर उनसे लाइट और फैंस को किसी तरह घर ले आए तो आपके मुँह से सिर्फ ये निकलेगा, ये तो चट्टी है। नंबर सिक्स, अच्छा तो हम चोरी की बात कर ही रहे, क्यों ना उनके फ्यूचर की भी बात कर ही ले। अरे यार, आप समझे नहीं, प्रिजनर अगर जो चोरी करेगा वो आज ना कल जेल तो जाएगा ही ना। अगर आपने पुराने जमाने के पिक्चर्स देखे होंगे तो उनमें के कैदियों को देखा ही होगा, तो जाहिर सी बात है उनके कपड़ों को भी देखा ही होगा। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स क्यों होती है। इसे समझने के लिए इस जेल के सलाखों को देखो, इनमें जो रॉड्स है वो वर्टिकल लाइंस में होते हैं। जब ये वर्टिकल रॉड प्रिजनर्स के हॉरिजॉन्टल रॉड्स के साथ मिलते हैं तो एक पैक्ड केज जैसी इमेज बनती है, और इस पैक्ड केज के इमेज को इन्हीं प्रिजनर्स के दिमाग में बैठाने के लिए पैक्ड स्ट्रिप दी जाती थी। मैं जाती थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे बहुत से कंट्रीज में बदल लिया गया है। नंबर सात, अगर आप भी अपने बचपन में गली क्रिकेट खेला करते थे
तो आपने कभी ना कभी ये ट्यूबलाइट फोड़ी होगी। पर क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है उस ट्यूबलाइट में जो बॉक्स होता है उसका असल में काम क्या होता है? सबसे पहले 1000 वोल्ट देता है और फिर शुरू होने के बाद 240 वोल्ट पे लिमिट कर देता है। हाँ तो गाइज ये बॉक्स सिर्फ वही करता है। नंबर 8, इमेजिन करो आप ट्रेन में बैठे हो और लकीली आपको विंडो सीट ही मिल गई और आप रिफ्रेशमेंट के लिए विंडो से बाहर झांक रहे हो, तभी आपकी नजर पटरी पे मौजूद एल्यूमिनियम बॉक्स पे पड़ती है। अब आपका भी मेरी तरह क्यूरियस माइंड होगा तो आपको ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि ये एल्यूमिनियम बॉक्स का क्या काम होता है। तो बता दूं, इन एल्यूमिनियम बॉक्स को एक्सल काउंटर्स कहा जाता है। ये ट्रेन के स्पीड, डायरेक्शन और ट्रेन के टोटल पहियों को गिनने का काम करता है। दरअसल इन एल्यूमिनियम बॉक्स में एक डिवाइस होता है जो तारों के थ्रू ट्रैक से कनेक्टेड होता है। अब जब भी ट्रेन उससे गुजरती है तो उन एक्सल्स को गिनती है जिससे पहिया कनेक्टेड रहता है। अभी एक्सल्स को गिनकर वो डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को अगले एक्सल काउंटर पर भेजती है जो यूजुअली इस एक्सल काउंटर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इससे ट्रेन की बोगी मिसिंग तो नहीं है इसको पता लगाया जाता है। अगर 2 एक्सल काउंटर्स पर सेम नंबर ऑफ एक्सल्स नहीं मिलते तो इस इंफॉर्मेशन को वो एक्सल काउंटर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर भेज देता है। नंबर 9, अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही रात होती है वैसे ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है। क्या ड्राइवर पैसेंजर लोगों को सोने नहीं देना चाहता या फिर ड्राइवर को भूतों से डर लगता है? एक्चुअली ऐसा हो सकता है, पर इसका मेन रीजन कुछ और ही है। पहले वाला रीजन ये है कि रात में ट्रेन पर जानवर और इंसानों का आना जाना कम होता है। दूसरा रीजन ये है कि रात में ट्रेन के मेंटेनेंस का काम बंद होता है, इसी वजह से कई भी ट्रेन रात में नहीं रुकती। और तीसरा और मेन रीजन ये है कि रात में स्टेशन और सिग्नल लाइट बहुत क्लियर होती है जो कि ड्राइवर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर 10, गाइज आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप एक लेदर से रिलेटेड चीज लेते हो तो नीचे जीनियन लेदर लिखा होता है और इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि लेदर तो एकदम ओरिजिनल है, पर असलियत में तो इसका कुछ और ही मतलब है। एक्चुअली इसका मतलब 3rd ग्रेड का लेदर होता है। देखो गाइज, लेदर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पहले सबसे अच्छा लेदर यानी फुल ग्रेन लेदर होता है, फिर 2nd नंबर पे टॉप ग्रेन नाम का एक लेदर आता है और क्वालिटी पर 3rd नंबर पर जीनियन लेदर आता है और फिर लास्टली सबसे लास्ट में आता है बॉन्डेड लेदर। तो अभी कोई दुकानदार आपको उल्लू बनाना चाहता होगा तो उसको सिर्फ ये कहना। तो गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।